विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर विषय वायरल थे रहेला वीडियो नो आ मामलो आरोपी शख्स आव्यो गीर सोमनाथ पुलिस की गिरफ्त में। हरियाणा पानीपत नजीक थी करवामां आवी छे आ शख्स की धरपकड़। पुलिस की खास टीम पहुंची थी पानीपत। मोहम्मद गजनी लूटना पराक्रम ने आ वायरल वीडियो में शख्से वखाण्यु हतुं। सोमनाथ ट्रस्ट की लेखित फरियाद बाद स्थानिक पुलिस तपास में लागी हती। हेमल भट्ट अमारी साथे फूल लाइन पर जोड़ाई गया छे। हेमल, जो वीडियो सोमनाथ नो वायरल थयो हतो, शुं हतो आ समग्र मामलो अने हाल शुं तपास हाथ धरवामां आवी छे पुलिस तरफथी? દીક્ષિતા, વાત કરવામાં આવે તો બે દિવસ પહેલા જે એક વિધર્મી નો વિડીયો જે વાયરલ થવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સોમનાથના ઇતિહાસને વાગોળતા અનાપ શનાપ શબ્દો બોલી અને જે ઉચ્ચાર કરેલા છે, જેને લઈને હિન્દુ સમાજમાં સાથે સાથે સોમનાથ ટ્રસ્ટમાં પણ એક ઉચ્ચાટની લાગણી જોવા મળી હતી। તેમજ સોમનાથ ટ્રસ્ટ દ્વારા લેખિતમાં પોલીસમાં ફરિયાદ કરવામાં આવતા ગણતરીના કલાકોમાં જ આ જે શખ્સ છે, વિધર્મી શખ્સ છે, તેને સ્ટ્રેસ કરી લેવામાં આવેલો હતો અને ગઈકાલે મોડી રાત્રિના તેની ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા ધરપકડ પણ કરી લેવામાં આવી છે। હાલ તેને ગીર સોમનાથ પોલીસ દ્વારા અહીં લઈ આવવામાં આવશે। બિલકુલ, આભાર હેમલ સમગ્ર વિગત બદલ। બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ। આજ હમ આયે હૈ સોમનાથ, જો ગુજરાત કે અંદર હોતા હૈ ઓર કભી જિસે મહમૂદ ગઝનવી ઓર મોહમ્મદ ઇબ્ને કાસિમ ને ફતહ કિયા થા। आप ये देख सकते हैं, सामने ही मंदिर नज़र आ रहा है। ये सामने मंदिर है, ये सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है इसको, जिसे महमूद गजनबी वगैरह ने फतह किया था और मोहम्मद इब्ने कासिम का लश्कर भी दरिया के किनारे से यहीं आया था। और ये दरिया है जो करीब में पाकिस्तानी मुल्क और इसी तरीके से दीगर ममालिक को जोड़ता है अपने साथ में। ये सोमनाथ मंदिर है, ये आप देख रहे हैं, ये सोमनाथ मंदिर है, जिसे महमूद गजनवी की तारीख जो आप पढ़ते हैं आप हजरात, और पढ़नी चाहिए हमें, मोहम्मद इब्ने कासिम, अल्लाह के शुक्र है कि मुसलमानों की जो तारीख है वो रोशन तारीख है, हमें किसी भी एतबार से न दबने की न झुकने की किसी भी एतबार से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे असलाफ ने बड़े नुमाया कारनामे अंजाम दिए थे, हमें चाहिए कि हम उन कारनामों को ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी उसको पढ़ाएं और दिखाएं कि हमारे कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह रोशन बाब के अंदर लिखे हुए हैं। अब ज़रूरत है कि ये जो नस्ल इस वक्त में नस्ल नौ चल रही है, ये भी अपने असलाफ के, अपने आबा व अजदाद के वो तारीखी कारनामे, जिस तरीके से मोहम्मद इब्ने कासिम ने दरिया को पार किया और पूरे हिंदुस्तान को फतह किया और इसी तरह महमूद गजनवी ने बड़ा काम किया है, तो अल्लाह के एहसान है, तमाम के तमाम अल्लाह के वली थे, इसमें कोई शक नहीं है। आज की तारीख भले ही उन्हें चोर और डाकू कहे या इसी तरीके से जो भी कुछ कहती रहे, लेकिन हमेशा तारीख ने उनको मुनसिफ और इसी तरीके से इंसाफ पसंद और दीन की इशात करने वाला, इस्लाम की इशात करने वाला पाया है। ये तमाम के तमाम, ये समंदर आप हजरात देख रहे हैं और इसके मुतालिक कहा गया, वैसे तो वो शेर तसव्वुफ के हवाले से है कि दूर बैठा कोई तो दुआएँ देता है और मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। इसी तरीके से ये हमारे दोस्त यहाँ हैं और ये सामने सोमनाथ का मंदिर आप देख रहे हैं, सामने है, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, अभी हम वहाँ भी गए थे। तो इसी तरीके से मैं शादी तकरीबन आधा किलोमीटर यहाँ से आप देख रहे हैं, अभी हम होकर के आए हैं सोमनाथ के मंदिर में। और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ की, हमारे आबा व अजदाद की तारीख रोशन तारीख है। आप हजरात उस तारीख को देखिए, पढ़िए, वरना तो वो मिसरा याद कीजिए कि जो